नक्सलियों से निपटने के लिए दिल्ली में गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक। नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ समीक्षा बैठक में गृहमंत्री ने छत्तीसगढ़ की नक्सल विरोधी रणनीति की तारीफ की। नक्सलियों से हथियार छोड़ मेन स्ट्रीम में शामिल होने की अपील। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ी राहत। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में 1-1 लाख के मुचलके पर मिली जमानत। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम आवास पर हो रही बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल रहेंगे मौजूद। बिहार में डिप्टी सीएम के बंगले को लेकर सियासत गरमाई। बीजेपी का आरोप, घर खाली करते वक्त उप मुख्यमंत्री आवास से बेड, वॉशरूम से हैंडल, टोटी समेत कई महंगे सामान को उखाड़ कर ले गए तेजस्वी। आरजेडी बोली ओछी राजनीति कर रही है बीजेपी। त्योहारों से पहले दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर। किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते विदेशी नागरिकों को ढाल बना सकते हैं आतंक। इसराइल पर हमास हमले की बरसी पर फिर गहराया महायुद्ध का संकट। गाजा से फिर हुआ इसराइल पर रॉकेट हमला। लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के बीच वॉर जोन पहुंचे इसराइल के पीएम। सेवा यात्रा को 23 साल पूरे। 2001 में आज ही के दिन नरेंद्र मोदी ने बतौर सीएम रखी थी गुजरात के विकास की नींव। लगातार 4 बार मुख्यमंत्री और 3 बार बने देश के प्रधानमंत्री। संकल्प से सिद्धि का दिया देश को मंत्र। भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए दिल्ली पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने पीएम मोदी से की मुलाकात। सुबह राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। मालदीव जाने वाले भारतीयों की संख्या में 41% तक की कमी से परेशान है मुइजू। हरियाणा में कौन मारेगा बाजी, जम्मू कश्मीर की जनता किस पर करेगी एतबार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर सबसे तेज सबसे सटीक नतीजे सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर कल सुबह 6 बजे से लगातार।